हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सिक्स क्लास की मैथ बुक की फर्स्ट लेसन को करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट लेसन है हमारी संख्याओं की जानकारी। इसमें हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे, ठीक है। मतलब कौन सी डिजिट बड़ी है कैसे पहचानेंगे, कौन सी डिजिट छोटी है ये हम लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इनमें हमको सबसे पहले करना क्या है, जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होंगे वही हमारे सबसे बड़े नंबर होंगे, और जिनमें सबसे कम डिजिट होंगे वो हमारे सबसे छोटे नंबर्स होंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 8917209, यहाँ पे 45 और यहाँ पे 86395 के कुछ नंबर्स दिए गए हैं। तो इनमें से ये चार अंक के हैं, ये तीन, ये दो और ये फाइव डिजिट्स के हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा फाइव डिजिट्स वाला हो गया, इसका मतलब हमारी सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी 86395। और अगर हम सबसे छोटी संख्या की बात करें तो ये हो जाएगी 45, क्योंकि इसमें सबसे कम डिजिट है, ठीक है। अब एक कंडीशन आ सकती है आप लोगों के पास, यहाँ देखिए आप एक्सरसाइज 1.1 जो लेसन आपका दिया हुआ है, इसी से रिलेटेड कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या इसमें आपको बताना है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले तो इसमें देखेंगे कि किसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स है। तो हम देख रहे हैं कि सारे में डिजिट सेम है, सारे चार अंक की ही संख्या है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें देखना ये है कि सबसे फर्स्ट वाले में जो सबसे बड़ा होगा वही मेरा संख्या बड़ा होगा, ठीक है। और अगर वो सबसे फर्स्ट वाला छोटा होगा वही मेरा सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है ना। तो हम अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि देखिए आपका सबसे फर्स्ट डिजिट जो है सब में 5 ही है, सारे सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम सेकेंड वाले को देखेंगे, ठीक है। सेकेंड में यहाँ पे देखिए 3 है, फिर 9 है, फिर 3 है, फिर 3 है। तो यहाँ पे देखिए तीन डिजिट तो सेम आ रहे हैं, सारे 3 हैं, और ये जो 9 है ये सब 3 से बड़ा है, इसका मतलब ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड में हम बी नंबर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट्स की है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, डिजिट तो सारे 5 ही है। अब हमें क्या देखना है, इसके फर्स्ट नंबर को। यहाँ पे भी 9 है, देखिए सारे 9 ही है, ठीक है। क्या करेंगे हम, फिर सेकंड को देखेंगे। तो सेकंड देखिए यहाँ पे 0 1 1 1, तो ये तीनों क्या है, 1 है पर ये 0 है जो कि छोटा है, तो ये तो पहले ही हट गया, ठीक है। अब हमें तीनों में से देखने हैं कौन से बड़े होंगे, तो तीनों सेम है, 1 ही है। अब हम नेक्स्ट डिजिट को देखते हैं, यहाँ पे देखिए 2 है, 3 है, फिर 3 है। तो अब देखिए ये 2 3 से छोटा है, तो ये भी छट गया। अब इन दोनों में से हमें देखना है, तो दोनों 3 है, उसके बाद वाले डिजिट्स को हम देखते हैं, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो 1 बड़ा है इसलिए ये डिजिट मेरी बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। तो अब आप सेकंड देखिए, आई होप कि आप ये कर लेंगे, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सबसे छोटी बताना है इसमें, आपको पता है सबसे जिसमें कम डिजिट होगा वही छोटी होगा। बट यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे आपका, यहाँ पे भी आपका सेम है सारा, 4 डिजिट नंबर है। तो अब हमें क्या करनी है, सबसे फर्स्ट वाले को देखनी है, यहाँ पे भी सारे फर्स्ट सेम ही है। अब हमें क्या करनी है, सेकंड देखते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए 1 है, फिर 0 1 0, तो 1 1 तो दोनों सेम हो गए और दोनों बड़े भी हैं और 0 छोटा है 1 से, तो हमें इन दोनों में देखना है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं थर्ड डिजिट को, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो हमारा आंसर 2, ये 2 वाला हो जाएगा क्योंकि 2 4 से छोटा है, ठीक है। तो आई होप कि आप ये लेसन कर लेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ देखिए आपको कुछ नंबर फॉर्म करने हैं, यहाँ पे कुछ डिजिट्स आपको दिए हुए हैं, उनसे आपको नंबर्स बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 आपको कुछ डिजिट दिए हुए हैं, 4 डिजिट है, इनसे आपको कहे जाएंगे कि आपको कुछ नंबर्स बनाने, नंबर फॉर्म करने, ठीक है। तो जैसे हम इससे नंबर्स कैसे बनाएंगे, तो 1 2 3 4 या फिर 4 3 2 1 इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, 2 3 4 1, 3 2 4 1, 4 2 3 1, इस तरह से हम लोग नंबर्स बना सकते हैं, हम इससे और भी नंबर्स बना सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और रह सकता है कि इन डिजिट्स को यूज़ करके आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे बनाते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए इसके साथ हम लोग एक 0 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 डिजिट्स हो गए, आप हमें इनसे हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें सबसे बड़े वाले डिजिट्स को सबसे पहले लिखना है, ठीक है। सबसे बड़ी 4, उसके बाद 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, तो ये हमारी हो गई सबसे बड़ी संख्या। पर जब हम छोटी संख्या बनाते हैं तो उस कंडीशन में देखिए होता तो 0 सबसे छोटा है, लेकिन हमें 0 सबसे फर्स्ट में नहीं लगाना है, ठीक है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि जब हम सबसे छोटी संख्या बना रहे हों और साथ में अगर डिजिट में 0 भी हो, तो हमें 0 को सबसे पहले नहीं लिखना है।
तो जीरो के बाद सबसे छोटा कौन हुआ, तो वन हुआ। तो हमें सबसे पहले वन लिखने हैं, उसके बाद हम लोग जीरो लिखेंगे, उसके बाद एज यूजल टू थ्री फोर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारी सबसे छोटी संख्या बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ दिए हुए हैं क्वेश्चंस, आप ये कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कहीं कहीं पे जैसे कि बिना पुनरावृत्ति के निम्नलिखित अंकों से चार अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनेगी। यहाँ देखिए पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीट, मतलब दोहराना, मतलब किसी संख्या को अगर पुनरावृत्ति करने को कहा जाए तो आप उसे रिपीट कर सकते हैं, अगर कहा जाए कि नहीं करना है तो आप उसे रिपीट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखिए आपको जैसे कि 6, 7, 0 और 5 का प्रयोग करके आपको यहाँ पे कुछ चार अंकों की कम से कम 10 संख्या बनाने के लिए कहा गया है। इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि एक अंक का प्रयोग आप दो बार कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो 0 लिया गया, यहाँ देखिए 6, 7, 0, 0, तो इसमें देखिए 0 को रिपीट किया गया, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कंडीशन दिया हुआ रहता है तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आरोही एवं अवरोही क्रम, ठीक है। आरोही को कहते हैं बढ़ते क्रम, ठीक है ना, उसको कहते हैं, एक और नाम होता है उसको बढ़ते क्रम, उसको इंग्लिश में कहा जाता है असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING, असेंडिंग, ठीक है, बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में क्या होगा, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे फर्स्ट में होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सबसे छोटी चिट्ठी है, फिर बढ़ते गया, तो ये किस फॉर्म में है, ये असेंडिंग फॉर्म में है, मतलब बढ़ते क्रम में है, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे कैसे, कैसे बढ़ते क्रम में इसको हम लोग सजाएंगे या फिर आरोही क्रम में हम लोग कैसे सजाएंगे इसको। यहाँ देखिए, यहाँ आपका फर्स्ट नंबर में है 32, 12, 66, 53। तो हमें क्या करना है, इसमें से जो सबसे छोटा है उसको हमें सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पे जैसे कि हम इसको बनाते हैं 32, 12, 66 और 53। तो इसमें जो सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी हमारी इसमें से कौन सी होगी, तो हो जाएगी हमारी 12। उसके बाद सबसे छोटी कौन होगी, 32, उसके बाद 53, फिर हो जाएंगे 66। तो ये हमारा असेंडिंग फॉर्म में हो गया, ठीक है, ये हमारा असेंडिंग हो गया। अब अगर इसी नंबर को यूज करके हमें डिसेंडिंग यानी कि अवरोही, इसको हिंदी में सॉरी कहते हैं आरोही, और हमें जब कहा जाए कि इसके अवरोही क्रम बनाना है, ठीक है। अवरोही क्रम हम लोग कैसे बनाएंगे, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, उसमें क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे फर्स्ट में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे इससे फर्स्ट में होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सबसे बड़ा 66 है, तो सबसे फर्स्ट में ये हो जाएगा, उसके बाद 53, फिर हो जाएगा आपका 32, और उसके बाद फिर 12, ठीक है। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं अवरोही क्रम या फिर घटते क्रम। यहाँ देखिए ये 12 से 32 हो गया, 32 से फिर 53 हो गया, तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए इसको बढ़ते क्रम कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए 66 से 53, फिर 53 से 32, 32 से 12, यहाँ पे घट रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं घटते क्रम, ठीक है। आई होप कि आप ये 1.2 का लेसन कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, आप ये लेसन को कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।